हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज समय हो गए 9:30। अभी तक हमारे यहाँ नल नहीं आया है, 2 दिन कल से नल नहीं आ रहा है और पानी की वेट कर रहे हैं। और वेदर देखिए कैसे हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि अब आज मौसम आने वाला है, मतलब बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम बन गया है। और आज चीज़ बनाने वाली थी लेकिन मौसम अच्छा नहीं और पानी भी नहीं, हमारे यहाँ 2 दिन से वेट कर रहे। अब एक टंकी है बहुत भर जाती है, लेकिन आज है ना वो हमने धोने के लिए सोचा कि नल आता है हमारे यहाँ 8 बजे। मैं आपको दिखाती हूँ, आइए ये देखिए जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये भर के रख दिए हैं पानी, ताकि मतलब टंकी धो रहे थे और अच्छा हुआ कि हमने वो गंदा पानी है भर के रख, बहुत दिन हो गए टंकी नहीं थी। ये भी ठन ठन खाली है, टंकी भी खाली है, अभी नल नहीं आया है तो नल का वेट कर रहे और देखते हैं। अभी चाय आई, आप भी चाय पी लीजिए सुबह की हमारे साथ में, सुबह की चाय आपके साथ शेयर नहीं की है। तब तक हम चाय और डिंकी परी हमारी सो, ये देखिए ये कैसे फैला हुआ है। ये भी पी रहे अभी एक डब्बा पानी, एक क्या बोलते हैं उसको, कैन है ना, एक कैन पानी भर के वो जो सरकारी नल है वहाँ से भर के अभी के लिए ले आए, ताकि नहीं आए। अभी देख रहे 10 बजे तक वेट करते हैं। डेली हमारे 8 बजे आता है, लेकिन डेली आता है लेकिन कल से बिल्कुल नहीं आया, कल भी नहीं आया, हमको लगा कि एक दिन छोड़ के आने वाला है। और मेरी आईब्रो देखिए, मैंने कल अपनी खुद से आईब्रो बनाई है, कैसे लग रही है। ठीक है, अब करते हैं नल का वेट। अब पानी नहीं आता है ना तो ऐसा लगता है कि कुछ भी काम नहीं। आज जब हम सुबह से उठे लेकिन काम बिल्कुल एक भी नहीं हुआ है हम लोगों का, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं कि नल आएगा तो हम पानी भर के फिर उसके बाद जो भी है वो काम करेंगे। देखते हैं फिर अब आता है कि नहीं आता है तो फिर उसने में एडजस्ट कर लेंगे। तो हेलो एवरीवन, और ये देखिए ये समय हो गया था 10 बजे, 9:30 बजे का, और हमारे इधर नल भी नहीं आया था, मैंने आपको बताया है वैसे, और हम बहुत परेशान हो रहे। देखिए वेदर इतना आ गया था, फिर अचानक नल आ गया, फिर 10 बजे। आज तो लगा था कि आज नल पानी नहीं मिलेगा, हमने पूरा टंकी खाली करके रख दी थी और एकदम मतलब ऐसा लग रहा था अब क्या करें। और ये देखिए ये डब्बे वब्बे मांज रहे, फिर बाद में नल आ गया तो हमारे जान में जान आ गई, ताकि पानी नहीं था। और कोरोना वायरस में हम ये लॉकडाउन में कहाँ घूमे बाहर, तो फिर और अचानक से वेदर देखिए इतनी भयंकर हो गया था। और बारिश भी आई थी, उतनी नहीं आई लेकिन आई, और बहुत अच्छा ठंडा मौसम हो गया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। और भयंकर भी, लेकिन वो जब बादल गरजते ना उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो ये फिर हमने है ना पूरा खाली कर दिया था डिब्बे, हम गर्मी में ना ऐसे डिब्बे और ये टंकी वगैरह भर के रख देते हैं एक्स्ट्रा, तो वो भी खाली हो गई थी। तो फिर आज ये पूरा मांझ के, ये देखिए टंकी साफ़ की थी हमने अंदर के से, तो फिर वो पानी नहीं बचा था, तो ये देखिए ये मांझ रहे, फिर नल आ गया। और फिर ये देखिए नल चल रहा है, और ज़्यादा नहीं मिला, आधा ही घंटा रहा, लेकिन आज के काम का जो हमारा चला, कल भी नहीं आया, 2 दिन से नल नहीं आया था, हम परेशान हो गए थे। अब देखिए ये पाइप से, ये देखिए कितने बारीक धार है, बिल्कुल न के बराबर। और ये जो टब दिख रहा है इसमें बर्तन और मैं कपड़े धोती हूँ, ये मेरी फ्रेंड मतलब ये दूध के ये है कंटेनर, तो ये हम यूज़ करते हैं इसके लिए बर्तन। और ये अभी मैं कपड़े धोने के लिए पानी निकाल रही थी, देखिए कितनी बारीक धार है, एक कनेक्शन है लेकिन नल 3 है, और बाथरूम में लेटरिन में और एक किचन में दिया है। तो ये किचन का हम इधर भर लेते हैं, ये पीने का भी पानी हम किचन से भर लेते हैं जो टंकी में भर रहे थे। शाम के समय का है, और ये देखिए चिड़िया का घोंसला कितना प्यारा, वही आपको बताती हूँ। लेकिन चिड़िया देखिए इसमें घुस गई है और ये धप से उड़ जाएगी अभी, और बहुत अच्छा लगता है, क्यूट लगती है, आके बैठ जाती है, रात को आती है, दिन में वो सबसे उड़ जाती है, दाना खा लेती है, पानी भी रखा हमने उसके लिए, और इतनी मतलब ऐसा लगता है कि ये घर का सदस्य बन गई हमारे, आ जाती है रात को। फिर शाम के समय ये डिनर की तैयारी हो रही है, देखिए रो रहे, प्याज ने रुला दिया और पत्नी ने भी रुला दिया इनको, और ये देखिए प्याज काट रहे हैं। ये जो तैयारी चल रही है ये डिनर की तैयारी चल रही है, और डिनर में आज हमने देसी चने भुगे थे, और आज सोचा था कि छोले भटूरे बनाए जाए, सब तो बना लिया हमने लेकिन यही बाकी था बनाने का, तो आज ये भी बना लिया। और हम बच्चों को मुझे और रेस्टोरेंट की याद आ रही थी कि छोले जैसे ढाबे पे खाते उस टाइप का बनाना है, तो हमने सोचा कि घर में ढाबा ले आओ। मैंने वे देखे फिर धने वो दाने थोड़े से मूंगफली के दाने, चावल वगैरह और चना दाल थोड़ी सी ऐड की थी, ये देखिए भी ये दाने, इससे क्या है थोड़ा सा वो सब्जी को है ना ग्रेवी है ना थोड़ी ये आ जाती है और पतली नहीं बनती है,
तो ये मैं भूंज रही थी, और ये मैं इसके बाद मिक्सी में इसका मसाला बना लूँगी और फिर मैं सब्जी ये कर लूँगी। ये देखिए धनिया डाल रही हूँ मैं, और ये खड़ा धनिया था, धनिया का पत्ता भी है लेकिन धनिया पाउडर भी है, लेकिन खड़ा धनिया भी डाल दिया। और अच्छे से ब्राउन होने तक इसको ये मसाले को तैयार करूँगी। और जो काली मिर्च वगैरह ये हमारे, क्योंकि गर्मी के दिन आ रहे तो गर्म थोड़ा मतलब ये हो जाता है पेट को, इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। ये देखिए ये जो मसाला पिसा था, उसके बाद मैंने टमाटर जो उसी पॉट में टमाटर की प्यूरी भी ये कर दी थी टमाटर को, और ऐसे नहीं काटे थे, उसी में प्यूरी बना के ली थी। और ये इधर आटा जो भटूरे का आता है, और का जो भटूरे का ये था कैसे बनाते हैं, उस भटूरे का आटा लगा रही थी, ये बना रही थी डो बनाती। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले ये थोड़ा मैं दही जो मैंने मंगाया था पैकेट वाला मंगाया था, तो ज़्यादा नहीं लगाना, बस एक कटोरी थोड़ा सा जितना अपना आटा है उससे, तो मैंने इसमें दही मिला लिया। उसके बाद मैं ये नमक डाल रही हूँ, नमक अपने स्वादानुसार ही ऐड करते हैं, और सबको तो आता ही होगा। और ये मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जैसे समोसे में नहीं करते उस टाइप का, मैं समोसे का आटा अपन लगाते। और इसमें मैंने अजवाइन भी डाला था, और थोड़ी सी शक्कर डालो ना तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी मतलब जैसे ज़्यादा ये भी नहीं हो उसका चक्कर में थोड़ी सी शक्कर डाली, और उसके बाद मैंने अजवाइन भी डाला था। और फिर इसके बाद मैं पानी से थोड़ा सा इसको भिगा लूँगी, और देखिए कैसे करते हैं। सब वैसे इस टाइप का ही करते हैं, मैं तो इस टाइप का करती हूँ। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी लेके जितना आपको लगता है वैसे कर रही हूँ मैं। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं बनाऊँ, मतलब ये कर रही हूँ, और लॉकडाउन में और इसके बाद मैं ना ये देखिए तेल जो अपन करते हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा तेल और तेल डाल लिया है, अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और तेल है ना जितना, एक दो चम्मच ही डालना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा जितना लगता है उतना। और बिल्कुल सॉफ्ट, जैसे अपन समोसे के थोड़ा कड़क बनाते हैं, ये जैसे पूड़ी का बनाते हैं ना उस टाइप का, ना गीला और ना बिल्कुल सॉफ्ट आटा गुद डो तैयार कर लो। और ये मैं उधर सब्जी पक रही थी, इधर मैं ये डो तैयार कर रही हूँ। और वो सब्जी मतलब ये हो रहा था, इधर सब्जी पकाने की तैयारी चल रही है। और सब्जी में देखिए सबसे पहले तेज़पत्ता और तेल गर्म होने के बाद तेज़पत्ता वगैरह डाल दिया, और उसके बाद ये जो मसाला मैंने पीसा था ना पूरा अदरक लहसुन वगैरह का सब पेस्ट डाल दिया, जितना आपको लगता है उतना ही। और हमको ज़्यादा पतली चाहिए थी, ज़्यादा एकदम घटने चाहिए थी, तो ये हम कर रहे हैं। और देखिए अच्छे से ये ब्राउन होने तक पकाना चाहिए, और ये अच्छे से पक जाए उसके बाद थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक जो भी आप ये डालते हो मसाले, वो सब मसाले डाल देना है। और मैं तो हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। और क्या है, मेरी बहुत इच्छा थी छोले भटूरे बनाए कि लॉकडाउन में मैंने बनाए नहीं थे, इसलिए मैंने आज बना लिए है। और इधर वो मसाला पक रहा था, तब तक मैंने आटे का डो और जो मतलब भिगा के रखा था, उसके बाद और थोड़ा सा मैं इसको सॉफ्ट करने के लिए और थोड़ा प्रेशर से अच्छे से ये दे रही हूँ, और ये बन के तैयार हो गया। देखिए कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है, और ये ऐसा भिगाओ तो क्या है फूलता भी है था। और ये और इधर तैयार हो गया, ये देखिए। और इसमें लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और जीरा पाउडर, जितना भी आपको मसाला डालना है वो डाल देते हैं, धनिया पाउडर वगैरह ये सब ऐड हो रहा है। और ये अच्छे से हम पकने देंगे। और इसके बाद जो छोले उबारे थे मैंने आपको बताया ना, छोले एक सीटी मतलब लगा दी थी मैंने पहले कुकर में, और ये धनिया पाउडर और आमचूर पाउडर ये सब मैंने डाल के इसको अच्छे से पका रही। उसके बाद ये नमक स्वादानुसार, नमक जो जितना डालना है उतना। और ये देखिए कितना कलर प्यारा लग रहा है। और हम तीखा बिल्कुल चाय के पत्ती की भी कम खाते हैं, तो जैसे चाय पत्ती का चम्मच रहता है ना उतने में दो चम्मच डाल रहे। और ये देखिए गरम मसाला, छोले मसाला और जो जितना भी मसाला है वो ऐड कर रहे हैं। और कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। और फिर इसके बाद है ना इसको थोड़ा सा ढक देंगे, और ढकने के बाद फिर जो मसाले मैंने जो छोले मैंने उबाल लिए थे वो उबाल के, और मैंने देसी चने भुगे थे जो काले चने रहते हैं ना वो चने बनाए, क्योंकि अब मार्केट में कौन जाएगा, घर में हमारे बहुत सारे चने हैं वो तो हम ले आए थे गाँव से, तो वो बचे हैं तो हम उसी के, और अच्छे हेल्दी वो शरीर के लिए बहुत अच्छे, सुबह खाओ तो वो भी बहुत अच्छा रहता है भिगा के खाओ तो। और ये देखिए कलर कितना, ये तेल छोड़ जाएगा तो समझ लो कि ये पक गया है मसाला। और इसके बाद वो मैं छोले छोड़ दूंगी, और वो पानी जो रहता है ना छोले का वो फेंकना नहीं है, उसी में तो ताकत है, थोड़ा विटामिन रहता है, तो वो पानी भी इसमें उसी में ऐड कर दे। और ये देखिए इसके बाद मैंने जो ग्रेवी बनाई थी ना, जो टमाटर की ग्रेवी वो डाल दिए, क्योंकि वो टमाटर अगर काट के डालते तो खड़े खड़े मिलते, तो इसलिए मैंने वो मसाले के साथ ग्रेवी कर ली थी। और उसके बाद जो पानी था बचा वो पानी डाल के और अच्छे से इसको पकाऊंगी।
और मैं तो इस टाइप का करती हूँ, और क्योंकि मुझे इस टाइप की पसंद है, बहुत अच्छी लगती है गाइस सब्ज़ी, और ना ज़्यादा पतली हमको पसंद है ना ज़्यादा ये। और जो पानी और बचा था जितना आपको डालना है उतना डाल के एक बार में ही मसाला अच्छे से पका लीजिए। मैं तो ऐसे पका रही हूँ और इसके बाद मैं ढक दूँगी। और उसके बाद जो मैंने दो सीटी दी थी ना चने को, आप छोले बोलते हो, मैं तो चने को काले चने, वो काले चने मैं इसमें डाल दूंगी। अभी सब्जी पक गई थी उधर और चने मैंने डाल दी थी। इसके बाद मैंने ये भटूरे का वो जो लोई बेल रही थी, और ये देखिए ढक के रखना है, हवा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो ये ना फिर है ना बहुत तकलीफ होती बेलने में। और देखिए जैसे अपन रोटी का बनाते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, उस टाइप का ही बनाना है, ना ज़्यादा कड़क ना ज़्यादा, जैसे पूरी का भी थोड़ा कड़क रहता है लेकिन थोड़ा सा उससे थोड़ा सा सॉफ्ट। ये देखिए, और मैं इसको बेल रही हूँ और बिल्कुल बिना तेल और बर्तन वगैरह कुछ नहीं लगा रही, और इधर तेल कढ़ाई में गर्म हो रहा है, और ये कढ़ाई में गर्म होने, तेल गर्म होने के बाद फिर मैं ना इसको डाल दूंगी। और ये देखिए कितना फूलेगा आप देख लेना, और फिर बस यही है। और वो तो मतलब ढाबे की भी बिल्कुल, और इतने सॉफ्ट बने थे कि बिल्कुल ढाबे में जैसे बनते हैं ना रेस्टोरेंट में अपन जैसे खाते हैं, उस टाइप के पंजाबी, बिल्कुल पंजाबी भटूरे लग रहे थे ये मेरे वाले, और हमको तो बहुत पसंद आया। और मतलब ऐसा लग रहा है कि हम कहीं मतलब ढाबे में या रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। देखिए तेल गरम हो गया था और उसके बाद ये मैंने डाला है, और ये पहले जब डालेंगे ना तो इसके बाद पहले मैं है ना अपने भांजी के लिए, जैसे नंद की लड़की है ना वो प्रेग्नेंट है, उनके लिए मैं सबसे पहले भेजूंगी ये, क्योंकि है ना भाई उनको देना तो अपना ये रहता है। और ये पक रहा है, देखिए कितने फूल के ऊपर आ रहे हैं। देखिए पहले तो मैंने चेक किया था कि गर्म तेल हुआ कि नहीं, तो हो गया था। और इसको बिल्कुल ज़्यादा मतलब ज़्यादा गर्म तेल में नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल भटूरे जैसे फूल गए थे ये पहले पहले। और मैंने ये पहले अपने भानिश को, भांजी को देकर भेजा था, ये 4-5 क्वार्टर के इधर ही हमारी बड़ी नन रहती है, तो उनके यहाँ वो मतलब आई है डिलीवरी के लिए, तो उनके लिए मैंने सबसे पहले भेजे। और फिर उसके बाद हम, आज मैं बहुत लेट हो गई थी, ऐसे फूल के आ गए, और ऐसे है ना ऐसे फूलते हैं ना, आप लोग भी ऐसे बनाते हो ना, और बिल्कुल एक नंबर के बने थे गाइस, मैं बता रही हूँ और देखने से लग रहा है। तो ये मैं पहले 4-5 निकाल के उनको दूंगी, क्योंकि ये, और मैं ये सिद्धार्थ जी ले जाएंगे और डिंकी के साथ उनको भेज दूंगी। वो घर में आए थे, उनको बोला था कि खाना खा लो लेकिन उन्होंने नहीं खाया, तो इसलिए मैंने है ना उनको भेज दी हूँ, उनको पता ही नहीं था कि मैंने बना रही हूँ करके, ये हमारा टाइम पे हो गया था। और फिर ऐसे ही चल रहा है और बहुत मज़ा आई थी। और ये देखिए टिफिन पैक कर रही हूँ उनके लिए, ये 4-5 जो बन पहले बेले थे ना वो मैं उनके लिए भेज रही हूँ, और फूले फूले है और बहुत खाली, मतलब ये टिफिन जो है ना बड़ा है तो इसमें आ गए वो, और ये ले जाएंगे। और फिर वो चले गए, तो फिर अब मैं अपने लिए हम लोगों के लिए निकाल रहे हैं, बस 10-12 ज़्यादा नहीं, क्या ज़्यादा मतलब बचना भी नहीं चाहिए ना, जितना लगे उतना ही, तो हम लोगों के लिए जितना लगता है उतना। मैंने परी को बोला था कि परी खा ले, तो नहीं वो फिर वो आ गए, फिर बाद में मैंने है ना छोटे छोटे बनाए, ये बोल रहे थे कि इतने बड़े मत बनाओ, जैसे छोटे छोटे ही बनाओ, तो मैंने फिर छोटे छोटे बनाए और बहुत टेस्टी बने थे, बहुत अच्छे बने थे, मुझे तो हम लोगों ने बहुत मज़ा। ये देखिए कितने डिनर के लिए हमारा ये तैयार हो गया था, और डिनर की तैयारी चल रही थी। और गाइज मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप भी आइए हमारे साथ, और मिलती हूँ। और ये देखिए डिनर तैयार हो गया है, गुलाब जामुन ये नंद के यहाँ से आए थे, और हमारे ये भटूरे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।